हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप लोग अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों अभी नए फ़ोन में काफ़ी प्रॉब्लम आई है दोस्तों, फॉर एग्जांपल रियलमी 8, रियलमी 8 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो दोस्तों, ओप्पो वीवो ऐसे कई फ़ोन है जो नए आए हैं दोस्तों, उसमें कॉल रिकॉर्डिंग की दिक्कत आ रही है वो भी सबको, क्योंकि दोस्तों वो सारे फ़ोन गूगल डायल यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, उसमें ऑटोमेटिक कॉल ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है दोस्तों, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आप कैसे कॉल को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहना दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका गूगल डायलर अपडेटेड है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल डायलर। दोस्तों यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अपडेटेड, अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको आ जाना है गूगल डायलर पे, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको नीचे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑलवेज रिकॉर्ड में देख सकते हो कि नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट ये सिलेक्टेड होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो नंबर आप में सेव नहीं है दोस्तों, वो सारे नंबर से जो कॉल आने वाले हैं वो सभी को कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएंगे दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों कि नए नंबर का ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर जो नंबर हमारे में ऑलरेडी सेव है दोस्तों, उसको कैसे करें? तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है सिलेक्टेड नंबर पर, इसको यहाँ पर दोस्तों आपको एनेबल रखना है दोस्तों, वरना कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यहाँ पर आपको प्लस बटन पर क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे नंबर को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, क्योंकि जो भी आप नंबर सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, उसको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे मैंने गौरव को सिलेक्ट किया है दोस्तों, आप देख जा देख आपको देखने को मिलेगा कि उसका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कॉल हो चुका है दोस्तों और उसने रिसीव भी कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो चुका है, आपको यहाँ से मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको मैंने दिखा दिया है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ से आप उससे सुन सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूँगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।